Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Rajya Mantri Sunil Bharala aaj Circuit House pahunche, jahan unhone vibhin samitiyon ke naam par aavantan hui zameen ko lekar kaha कि आवास विकास परिसर के अधिकारियों ने 170 करोड़ रुपए का शुल्क वसूली का शासन को नोटिस भेजा है। इसमें जांच करने पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सामने आई है और कहा कि आगे की कार्रवाई में घोटाला 600 करोड़ तक पहुंच जाएगा। साथ ही कहा कि सपा मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के नाम भी जल्द ही उजागर होंगे। देखिए निवर्तमान श्रम कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुनील भराला ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या खुलासे किए। भाई साहब क्या प्रकरण है टीएनटी का बता दीजिए, जिसके लिए पीसी करवाई। टूट जाएगा सिकंदर भाई, ये विगत महीनों पूर्व में एक शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री जी को तत्कालिक समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2014 में आवास विकास परिषद के द्वारा एक बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी की गठित की गई थी और वो भ्रष्टाचार पर जांच चली। उस जांच पर पहली कार्रवाई जनपद गाजियाबाद आवास विकास परिषद के द्वारा जो लगभग 10 समितियों के जो शुल्क 170 करोड़ रुपए लगभग वसूलने का शासन को जारी किया गया है विगत दिनों, उसके संदर्भ में आज अपने पत्रकार और छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को इससे अवगत कराना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और नारा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर, उत्तर प्रदेश के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है, उसी क्रम में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी की तत्काल सरकार में इस भ्रष्टाचार पे भी बड़ी मोहर लगी है और उसमें कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। पिछले लगभग एक वर्ष से इस पर जांच और वो चल रही थी, बहुत सारी ऐसे अड़चने भी सामने थी कि उसको जांच को अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया जा रहा था और साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो तथाकथित लगातार वे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, उसके साथ अधिकारी, वे लोग भी शामिल हैं, उनका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।